लद्दाख बहुत सी जगहों से अलग लगा मुझे. वहाँ का जो लैंडस्केप है, वहाँ के जो टेक्सचर्स हैं, वो मुझे और कहीं अभी तक नज़र नहीं आए थे. तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा पूरा माहौल वहाँ का. इसलिए मैंने कुछ तस्वीरें वहाँ खींचना ज़रूरी समझा. ज़्यादातर घूमती फिरती रहती थी, चलती बहुत थी. वॉक्स के लिए निकल जाती थी और क्योंकि विंटर का टाइम था, सर्दियों में कुछ वहाँ सब चीज़ बंद रहती है, कोई टूरिस्ट नहीं होते, दुकानें नहीं खुली होती, होटल्स नहीं, टैक्सीज नहीं चलती, तो इसलिए हर जगह ही मतलब पैदल चलना पड़ता था जहाँ भी कहीं पहुँचना हो. और शायद इसी वजह से मुझे बराबर उस जगह की जो कैरेक्टर है वो महसूस हुआ, क्योंकि कोई अननेचुरल या कोई आर्टिफिशियल एलिमेंट्स वहाँ उस वक्त नहीं थे. तो जो विंटर में जहाँ की ये एग्जीबिशन है, उस टाइम का वो जो माहौल था वो मुझे पूरी तरह इसी वजह से शायद, और वो जो चीज़ें मैं चलते चलते रुक के देखी, जो तस्वीरें खींची, वो भी शायद इसीलिए, क्योंकि रुकने का भी टाइम था, चलने का भी टाइम था. तो ऐसे कोई वो टूरिस्टिक तरीके से मैंने लद्दाख को नहीं देखा, वो मौका मुझे विंटर में मिला. फोटोग्राफी तो शुरू से ही मैं इंटरेस्टेड हूँ फोटोग्राफी में. मुझे लैंडस्केप्स में काफ़ी दिलचस्पी है. मैंने मतलब बहुत ज़्यादा वो जिसको कहते हैं इंडिया के स्ट्रीट सीन्स, राजस्थान, अभी फ़िलहाल वो नहीं किया है. ज़्यादातर पहाड़ हैं. लद्दाख में तो ये जो नया जो एस्पेक्ट था, जो कि एक डेजर्ट माउंटेन का था, वो एक नई चीज़ थी मेरे लिए. सो वो मुझे काफ़ी फैसिनेट की. लोग भी फैसिनेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाहर जैसे सड़कों पे जाके कैमरा लेके, जैसे बहुत से फोटोग्राफर्स करते हैं और किसी भी एरिया में चले जाते हैं और वहाँ के लोकल लोगों की तस्वीरें खींचते, वैसे फ़िलहाल वैसा मुझे अभी मौका नहीं मिला. बट आई सिंपली लव द माउंटेन्स. या पहले तो कुछ एक डेढ़ महीना पहले ट्रिप में, जिसको कि पाँच साल शायद हो गए हैं, उसके बाद तीन बार चार बार जा चुकी हूँ. ये जो विंटर, इस विंटर ये जो तस्वीरें आप देखते हैं, ये विंटर से हैं. और 10 दिन का ट्रिप था, 10 दिन तक वहाँ रही एक छोटे से गांव में, अगलिंग ले के बाहर एक छोटा सा गांव है अगलिंग नाम से, और वहाँ बस 10 दिन वहीं पे रही, बेस वहीं था, लेकिन वहाँ से रोज़ कहीं ना कहीं एक नई जगह पे चल के घूमते हुए ऐसे पैदल निकल जाना, कोई नया गांव, कोई अक्रॉस द रिवर, इंदस रिवर बिल्कुल मकान के सामने था, तो कोई नई डायरेक्शन में कोई भी नज़र आता तो लगता था कि चलो आज यहाँ चलते हैं, आज कहीं और निकल चलते हैं. तो पैदल ही सब देखा आसपास जितना भी जगह थी. पिछले साल 98 जनवरी की ये एग्जीबिशन है. ले के बाहर एक छोटा सा गांव है अगलिंग, कुछ 15 किलोमीटर फ्रॉम ले. वहाँ मैं 10 दिन तक रही और उसके आसपास, उसके आगे फिर जितनी भी जगहें मैं घूमी, वो सब वहाँ से पैदल चल के जितने भी गांव हैं आसपास के, स्तोक, चोगलमसर, अक्रॉस द रिवर और कई छोटे छोटे गांव हैं, तो वो सारे घूम फिर के ऐसे ही चलते हुए जो भी नज़र आ गया उसको फोटोग्राफ करती गई. एक्टिंग तो कॉलेज के बाद, जब कॉलेज ख़त्म किया, हिंदुस्तान चली आई एक्ट्रेस बनने के लिए, तब से एक्टिंग अब सिंस ईयर अबाउट 1980 से शुरू की. लेकिन कविताएं लिखने की आदत तो उससे काफ़ी पुरानी है. और पेंटिंग भी स्कूल से ही शुरू है, जब से हम लोग, आई थिंक आई वाज कुछ 5th 6th स्टैंडर्ड में थी जब पेंटिंग बकायदा, मतलब एक फॉर्मल
पेंटिंग में जो ट्रेनिंग थी वो मिलनी शुरू हुई स्कूल में. फिर कॉलेज जब मैंने किया न्यूयॉर्क में तो पेंटिंग मेरा मेजर सब्जेक्ट भी रहा. पोइट्री हमेशा से ही साथ है. आई कांट से स्कूल के दिनों से ही. पहले अंग्रेज़ी में ही लिखती थी, फिर जब अमेरिका के जो कॉलेज के दिन थे तब वहाँ से हिंदी में लिखना शुरू किया, उर्दूआइज़ हिंदुस्तानी जिसको हम कहते हैं. मुझे लगा कि नहीं, हमारी अपनी एक ज़बान, मेरी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए. यहाँ अमेरिका में everybody speaks English, so what's the big deal? लेकिन उसके फिर कई अरसे के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब एक रोमांटिक फेज़ था जो लाइफ का, वो उस दौरान हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी ठीक लगती थी, पर जब आपको ज़िंदगी के कुछ हार्शर रियलिटीज़ के बारे में कहना है तो फिर मुझे इंग्लिश पे वापस जाना पड़ा. मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई हैव टू रिवर्ट बैक, बिकॉज वही चीज़ें जब मैं हिंदी में कहने की मैंने कोशिश की तो वो काफ़ी हैवी ड्यूटी लगी. थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, आई विल हैव टू गो बैक टू इंग्लिश, सो आई एम राइटिंग इन इंग्लिश अगेन.